खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध, रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मोहाली विधायक अचानक पहुंचे नगर पंचायत कार्यालय, मचा हड़कंप, बीएसए ने शराबी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। फिर बात करेंगे 8 अक्टूबर को सीतापुर शहर के इन मोहल्लों में गुल रहेगी बिजली। खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर का डाक विभाग 10 अक्टूबर को मनाएगा अंत्योदय दिवस। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 10 अक्टूबर को होगी फुटबॉल चयन ट्रायल्स प्रतियोगिता। परिवहन एवं पुलिस विभाग ने कैंप लगाकर वाहन चालकों की आंखों का किया परीक्षण। लहरपुर में सीओ कार्यालय निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। लखीमपुर खीरी के गंगा बेहड़ में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे। लखीमपुर खीरी डीएम ने सेल्फी पॉइंट और निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण। सपा विधायक के घर पहुंचे भाजपा नेता, मची हलचल। थम नहीं रहा राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप, 24 घंटे में मिले 61 मरीज। खबरें सीतापुर जनपद से। सभासदों द्वारा की गई शिकायत को मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने गंभीरता से लिया। सोमवार सुबह अचानक विधायक नगर पंचायत मोहाली कार्यालय जा पहुंचे। विधायक को कार्यालय में देखकर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधायक ने सबसे पहले ईओ ऑफिस का निरीक्षण किया, यहां विकास कार्यों से संबंधित कागजात देखे और सभासदों द्वारा शिकायत के संबंध में जानकारी मांगी। विधायक ने ईओ श्रीश मिश्रा, जेई करण सिंह, लिपिक रवि गुप्ता की जमकर क्लास ली। इस दौरान सोनारन टोला के सभासद अनुज दीक्षित ने वार्ड में बनाई गई सड़क के 15 दिनों में उखड़ने की शिकायत की। इस पर विधायक ने जेई को सड़क का फिर से निर्माण कराने के निर्देश दिए। गौतम बुद्ध नगर की सभासद तारा देवी ने तालाब खुदवाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिस पर विधायक ने भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश ईओ को दिए। मास्टर कॉलोनी पूर्वी के सभासद रेखा वाजपेयी ने भी शिकायत दर्ज कराई। विधायक शशांक त्रिवेदी ने ईओ को पार्किंग का ठेका निरस्त करने के निर्देश भी दिए और लिपिक रवि गुप्ता का अनियंत्र तबादला किए जाने को भी कहा। बता दें कि नगर पंचायत मोहाली के सभासदों ने विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर विधायक से शिकायत की थी और एसडीएम मोहाली को ज्ञापन भी सौंपा था। सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। बीएसए के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय हलवापुर के प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार शुक्ला बीडीओ को निरीक्षण के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए थे, जिनका यह चिकित्सीय प्रशिक्षण कराया गया और शराब के नशे में होने की पुष्टि भी हुई। इन हालातों में बीडीओ एलिया द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या और जांच के बाद प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना को नामित किया गया है। उन्हें जांच 15 दिन में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रदीप कुमार शुक्ला बीआरसी एलिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जागरूक प्रजापति महासभा की बैठक में समाज को समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर बल दिया गया। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र की बैठक में सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष प्रजापति एडवोकेट ने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला संरक्षक रमेश प्रजापति, मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम में रोहित प्रजापति, डॉक्टर हेतराम प्रजापति, राधेश्याम प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, कैलाश प्रजापति सहित तमाम लोग मौजूद रहे। थाना नैमिषारण क्षेत्र के भैंसापुर निवासी महेश ने एसओ नैमिषारण को प्रार्थना पत्र देकर चोरी से पेड़ काटे जाने का आरोप ग्रामीणों पर लगाया है। महेश का आरोप है कि उनके खेत में नहर पंप के पास 20 पेड़ खंबार के लगे थे, जिन्हें गांव के लोगों द्वारा काट लिया गया है। महेश ने आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोंदला मऊ में संचारी रोग नियंत्रण अभियान से संबंधित शपथ ली गई। इसके अलावा दिमागी बुखार और उससे बचाव, साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शपथ लेने वालों में डॉक्टर पंकज कनौजिया, डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद सारिक, आनंद कुमार, गौरव गुप्ता, ब्रज किशोर, इंद्रदेव, सुधीर पांडे, अमित कुमार, राम प्रकाश, ओपी सिंह, शरद कुमार, प्रभात कुमार, रविंद्र कुमार, अश्विनी कुमार, मोहम्मद तारिक, विभा, सोनी, आशी आदि लोग मौजूद रहे। डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि 8 अक्टूबर को फिलेटरी दिवस मनाया जाएगा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 को अंत्योदय दिवस और 11 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया डाक विभाग अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 150वीं वर्ष पूरे होने पर भारतीय डाक विभाग वित्तीय सशक्तिकरण के तहत बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है। लहरपुर तहसील क्षेत्र में वन प्राणी सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए गए। सेंट बिलाल कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों के बीच चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता कराई गई। छात्र छात्राओं को वन्य जीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक वन प्रभागीय अधिकारी ब्रजेश कुमार पांडे रहे। चित्रकला में वैशाली मानवी ने प्रथम, सगुफी ने द्वितीय, इफा खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में आयुष तिवारी, रहमीन सुल्ताना, शिवा वर्मा शर्मा क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रबंधक खालिकोर रहमान, डिप्टी रंजर हरीश कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार, राजकुमार वर्मा, अमोल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। बीआरसी लहरपुर में विजन स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। कैंप में बच्चों की आंखों की जांच कर चश्मे वितरित किए गए। इसके अलावा ऑपरेशन के लिए चिन्हांकन भी किया गया। साइट सेवर्स और आंख अस्पताल सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर में 15 बच्चों को चश्मे दिए गए। 7 को ऑपरेशन के लिए आंख अस्पताल सीतापुर भेजा गया। नेत्र सर्जन डॉक्टर निधि सिंह ने बताया कि आंखों से संबंधित किसी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेत्र सर्जन डॉक्टर अस्मिता रस्तोगी, अनूप शुक्ल, केआरपी अनवर अली, राजू कुमार, राजेश श्रीवास्तव, मनीष कुमार मौजूद रहे। थाना पिसावा क्षेत्र के एक होमगार्ड के नेक काम की सर्वत्र सराहना हो रही है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने होमगार्ड मुनेंद्र कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान होमगार्ड को ग्राम सतनापुर के एक गहरे कुएं से बॉडी निकाल लाने को लेकर प्रदान किया गया है। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के मोहलिया खुर्द निवासी गीता देवी ने स्थानीय पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गीता देवी का कहना है कि वह पैर व आंख से दिव्यांग है। मेरे पति द्वारा ना तो बीमारी की दशा में इलाज कराया जा रहा है और ना ही उन्हें सुकून से रहने दिया जा रहा है। गीता देवी ने आरोपियों पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता 17 से 24 अक्टूबर के मध्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल ढाबा सेमर अयोध्या में होगा। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया प्रतियोगिता के लिए मंडली टीमों का चयन किया जाना है, जिसके लिए 10 अक्टूबर को फुटबॉल चयन ट्रायल्स मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5:30-4 बजे होगा। ब्लॉक खैराबाद के ग्राम इसाली में आम बागवानों को आम निर्यात प्रोत्साहन प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण दिया गया। फल पट्टी विकास योजना के अंतर्गत यह प्रशिक्षण लखनऊ मंडल के उपनिदेशक उद्यान डॉक्टर डी के वर्मा, डॉक्टर सचिन तोमर, डॉक्टर वाई पी सिंह आदि ने प्रदान किया। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के रंपा रोड स्थित संस्थान संरीक्षक के आवास पर हुई। पुष्पा अवस्थी के आवास पर आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता जीएल गांधी ने की। शायर डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी, अजय श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, डॉक्टर सतीश चंद वर्मा, नदीम सीतापुरी, एपी गौतम, गीता किशोर श्रीवास्तव, रामदास वैश्य आदि ने काव्य पाठ किया। शहर के श्री कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आयोजित वन जीव सप्ताह के अंतिम दिन भाषण प्रतियोगिता, अतिथि व्याख्यान व पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लता वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अनुज सक्सेना आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रबंधक विवेक अग्रवाल, ट्रस्टी राजेंद्र अग्रवाल, नीतीश गोयल, प्रशाक हरिनाम सिंह, पीआरओ अशोक प्रजापति, प्रवक्ता रंजना वैश्य, डॉक्टर मोइन अहमद, डॉक्टर सहजनाज बानो, वर्तिका श्रीवास्तव, रितेश कुमार, राघवेंद्र सिंह, आशीष शुक्ला, अंकित प्रताप सिंह, आराधना शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार नजर रखी जा रही है। इस दौरान आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है कि शासन स्तर से जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। एसपी चक्रेश मिश्र के मुताबिक थाना संदना टीम ने गोंदला मऊ में, सकरण टीम ने कल्ली और मरोड़ में, हरगांव पुलिस टीम ने ग्राम गदनापुर में जागरूक किया। थाना सिदौली महिला चौकी टीम द्वारा सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, फखरुद्दीन डिग्री कॉलेज, संकटा देवी मंदिर सहित अन्य कई जगहों पर जागरूकता फैलाई गई। इसी तरह थाना खैराबाद पुलिस टीम ने ग्राम टकपुरवा में, थाना रेउसा पुलिस टीम ने बमनावा विद्यालय में, थाना कमलापुर पुलिस टीम ने इंटर कॉलेज सोनारी में, विनोदनी कन्या स्मारक विद्यालय में, थाना नैमिषारण टीम द्वारा अखंड स्वामी
अच्युतानंद इंटर कॉलेज में थाना सदर पुलिस टीम द्वारा, बकौवा बाजार में थाना रामपुर कला टीम द्वारा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहमा में शिविर लगाकर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कस्बा अटरिया की पुरानी बाजार में 5 दिवसीय भागवत का शुभारंभ हुआ। छठा माँ दुर्गा पूजा महोत्सव में कथावाचक पंडित जितेंद्र मिश्रा ने कथा का रसपान कराया। उन्होंने भक्तों को राजा परीक्षित की कथा सुनाई। इस मौके पर पुजारी सुशील मिश्रा, करण अवस्थी, हर्षित वाजपेयी, धीरज अवस्थी, अविरल दीक्षित, तेज प्रताप सिंह, विमल तिवारी, उदित शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। शहर के महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सहस्त्र सिरसा देवी मंडल की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर जगत जननी माँ की पूजा अर्चना से हुई। कक्षा 9 की छात्राओं ने भजन सुनाकर मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने कहा कि मौजूदा दौर में बालिकाओं के जागरूक और सशक्त होने की जरूरत है। इस मौके पर अर्चना मिश्रा, श्वेता दीक्षित, सुभी दीक्षिता, अनन्या सौम्या आदि मौजूद रही। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव कराने की आवाज उठाई है। पार्टी के छात्र इकाई ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बालकृष्ण को सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद, अनुज, हर्षित पाल, गौरव शर्मा, हिमांशु शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। योगी सरकार मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की खेती और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने प्रदेश में 5 वर्षों के अंतराल में 10,000 एग्रीजेक्शन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसका मकसद किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए एक तरह से कृषि केंद्र तैयार किया जाएगा। एग्रीजेक्शन बैनर के तले सभी सुविधाएं किसानों को मिलेंगी। यह सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 2024-25 पोर्टल भी शुरू किया गया है। सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की खरीदारी करेगी। सीएचसी लहरपुर के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने गोद लिए 6 रोगियों को पोषाहार किट वितरित कराई। अधीक्षक सभी 25 रोगियों को सीएचसी के डॉक्टरों द्वारा किट प्रदान कराई। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद गुप्ता, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर विजय भदौरिया, फार्मासिस्ट बीसी गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। शहर के हिंदू कन्या पाठशाला महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम कर छात्राओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम महिला थाना सीतापुर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से किया गया। महिला थाना की एसआई भावना भारद्वाज और चाइल्ड हेल्पलाइन की केस वर्कर शिल्पी देवी ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बताया। सीतापुर शहर के विभिन्न मोहल्लों की बिजली सप्लाई 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक बाधित रहेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि भवानीपुर बिजली घर में अनुरक्षण कार्य कराया जाना है, जिसकी वजह से एनवीपी, शास्त्री नगर, हरदोई रोड, रामनगर, रामलीला मैदान फीडर की आपूर्ति बंद रहेगी, जिससे हरदोई चुंगी, मन्नी चौरा, शास्त्री नगर, रामलीला मैदान, केशव ग्रीन सिटी, हैप्पी होम कॉलोनी, एलसिया ग्रांट, हेमपुरवा और रामपुरवा आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ठप रहेगी। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 6वें दिन परिवहन एवं पुलिस विभाग के ने खैराबाद टोल प्लाजा पर हेल्थ कैंप आयोजित किया। कैंप में 90 चालकों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान 22 चालकों को उचित परामर्श दिया गया। शिविर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर, एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी, टीआई फरीद अहमद, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर ओमकार मौर्य, डॉक्टर सादाब, प्रदीप शुक्ला, हरीश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें 11 बिना हेलमेट वाहन चलाने और 3 गलत दिशा में वाहन चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। अनाधिकृत संचालित 3 बसों सहित 17 वाहनों का चालान किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा सीतापुर के साहित्यकार अवधेश शुक्ला को सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष अवधेश शुक्ल ने इस मौके पर अपने विचार रखे। सम्मान मिलने पर सीतापुर के साहित्यकारों ने बधाई दी। प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल सोमवार देर शाम नैमिषारण्य पहुंचे। राज्य मंत्री ने सपरिवार माँ ललिता देवी मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। पुजारी अटल बिहारी पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को पूजन कराया और चुनर उड़ाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद राज्य मंत्री ने सपरिवार हवन कुंड में आहुतियां दी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि माँ की कृपा से वह नवरात्रि में ललिता देवी के चरणों में परिवार सहित हाजिरी लगाने आते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया।
जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सीतापुर की खेल प्रतिभाओं ने सीबीएसई क्लस्टर प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। अंडर 17 फुटबॉल टीम ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। यह प्रतियोगिता नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट इटावा में संपन्न हुई। इस अवसर पर सीबीएसई प्रबंधन ने कप्तान अरिहंत सिंह, कप्तान निशित त्यागी, अरहम तनवीर, पूर्णेश चंद्रा, आयांश मिश्रा, शोभा सिंह, प्रथम रस्तोगी, शौर्यवर्धन और शुभमणि, आत्मप्रकाश, प्रयांश अग्रवाल, अस्मित शुक्ला, अक्षत पटेल को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फुटबॉल कोच मोहम्मद सहीम को भी अवार्ड प्रदान किया गया। मैनेजर पंकज कुमार को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान हुआ। इसी क्रम में अंडर 14 बास्केटबॉल टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सेकंड स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता आजमानी इंटरनेशनल स्कूल लखीमपुर में संपन्न हुई। सीबीएसई प्रबंधन ने कप्तान सिद्धांत गुप्ता, वियान त्रिपाठी, कृतज्ञ आयांश अग्रवाल, अयन सिंह, सजल गुप्ता, ऋतिक त्रिपाठी को मेडल ट्रॉफी और कोच राजेश त्रिपाठी, पुनीत तिवारी को सम्मानित किया। विद्यालय के निदेशक सूर्यांश सहगल, प्रधानाचार्य त्रिशला शाह ने विजय प्रतिभागियों को उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीतापुर के पुस्तकालय कक्ष में आयोजित विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में डीएम ने बेहतर शिक्षा के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने समीक्षा करते हुए कहा कि मेधावी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में प्राचार्य सतीश कुमार ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, वार्षिक निरीक्षण, कला उत्सव आदि की जानकारी दी। बैठक के दौरान आरएमपी कॉलेज के प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव सहित अधिकारी व प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस खबर में बात करेंगे पुलिस विभाग को मिलने वाली सौगात की। लहरपुर पुलिस को जल्द ही नया क्षेत्राधिकारी कार्यालय उपलब्ध होगा। कार्यालय के निर्माण के लिए सोमवार को हरगांव मार्ग पर भूमि पूजन किया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की उपस्थिति में एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ सुशील यादव ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। पंडित रामचंद्र ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कराया। बता दें कि करीब डेढ़ दशक से सीओ कार्यालय अग्निशमन विभाग के समन में संचालित हो रहा था। इस अवसर पर कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा, अपराध निरीक्षक राममणि यादव, महेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। दौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने हरगोविंद वर्मा खादी ग्रामोद्योग समिति के खादी भंडार का शुभारंभ किया। लहरपुर तहसील मार्ग स्थित सपा कार्यालय पर सांसद आनंद भदौरिया ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष मिश्रा ने की। कार्यक्रम में लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, सपा नेता प्रमोद वर्मा, विनीता राजवंशी, कौशलेंद्र सिंह, जावेद खान, मिराज महबूब, अतुल वर्मा, इंद्रपाल चौधरी, मनोज गुप्ता, प्रहलाद कनौजिया, युवा सपा नेता शोभित मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। शहर के श्याम गेस्ट हाउस में आयोजित 3 दिवसीय किसान मजदूर मेले के समापन सोमवार को हुआ। संगठन किसान मजदूर संगठन के द्वारा आयोजित मेले में लोगों ने देसी अनाज से बनी खीर, इडली को बड़े चाव से न कि खाया बल्कि खरीद कर भी ले गए। समता युवा मंच के स्टॉल से प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई। मेले में पहुंचने वालों ने एक यादगार अनुभव बताते हुए सराहना की और उम्मीद जताई कि अगले साल फिर ऐसा ही आयोजन होगा। 3 दिवसीय मेले में संगठन किसान मजदूर संगठन की प्रतिनिधि ऋचा सिंह, रामबेटी, प्रकाश, कौशल, कुलदीप, रामजीवन, सुमन, सुशीला, लक्ष्मी, सुभाष, अरविंद, राजाराम, पप्पू, राम कुमार, सुधा, मुकेश भार्गव सहित तमाम शहरी और ग्रामीणों ने भाग लिया। लहरपुर में श्री रामलीला मैदान पर रामलीला मंचन का शुभारंभ पूजन अर्चन से हुआ। आयोजकों ने बताया कि 10 अक्टूबर को राम बारात, 11 को लंका दहन, 12 को सेतु लीला और 16 अक्टूबर को रावण दहन भरत मिलाप होगा। भूमि पूजन पंडित जितेंद्र पांडे ने कराया। इस मौके पर प्रमुख रूप से निरंकार मेहरोत्रा, प्रमोद टंडन, अखिलेश यादव, पंकज यादव, प्रखर पांडे, रामानंद अवस्थी, राजेश्वर रस्तोगी, रामनारायण शास्त्री, दिलीप शुक्ल, रामेश्वर तिवारी, श्री नारायण मेहरोत्रा, मनीष शुक्ल, रमेश वाजपेयी, रामकरण वाजपेयी, बलराम लोधी, प्रमोद वाजपेयी, अतुल पांडे, अतुल शुक्ल, धर्मेंद्र पांडे, सागर मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तीसरी बार जिलाध्यक्ष एसके तूफानी के बनने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष एसके तूफानी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मनोनयन पर देवेंद्र सिंह, किशोर गुप्ता, अखिलेश गौतम, सुनीत कुमार, अंकित यादव ने बधाई दी। प्रशिक्षु IAS BDO कसमंडा नितिन सिंह ने ग्राम पंचायत पीरनगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, संगम तट और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी ली। प्रशिक्षु IAS नितिन सिंह ने बच्चों को सवाल भी समझाए। इस मौके पर सचिव संदीप कुमार, प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र श्री गुरुदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेथरा माधव में चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता का आयोजन वन विभाग की तरफ से किया गया। प्रतियोगिता के विजय प्रतिभागियों को वन विभाग ने पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर संतोष वर्मा, विजय प्रकाश पाठ, प्रिया गुप्ता मौजूद रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिस्वा की तरफ से जवाहरलाल पॉलिटेक्निक विद्यालय की प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जिन विद्यार्थियों को फेल किया गया है उनकी कॉपियों का फिर से मूल्यांकन कराया जाए। नगर मंत्री आयुष चौधरी ने कहा, एक साथ एक ही विद्यालय के 65% विद्यार्थियों का फेल होना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है।
कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव हर गांव के आयोजन को लेकर एक बैठक नगर पंचायत सभागार में हुई। बैठक में 15 नवंबर से प्रारंभ हो रहे कार्तिक पूर्णिमा मेला के दौरान होने वाले आयोजनों की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में एसडीएम सदर अभिनव यादव, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर प्रेम शंकर पांडे, चेयरमैन गफ्फार खान, ईओ श्री मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्र, सलीम दिनेश मिश्र, शोएब मंसूर खान, उमेश जायसवाल मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक नगर सिधौली के एक विद्यालय में हुई। बैठक में विहिप के विभाग धर्माचार प्रमुख विमल मिश्रा ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। जिला मंत्री शिवम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संगठन के बारे में बताया। इस मौके पर अमित मिश्रा, अतुल तिवारी, राज रस्तोगी, श्रवण कुमार, उदय बाल्मीकि, विशाल यादव, करण गुप्ता, राज रस्तोगी, आकाश सोनी, ऋषभ यादव, विवेक त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। कोतवाली सिदौली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के ही एक युवक पर अपनी पुत्री का फोटो सोशल मीडिया पर संशोधित करते हुए वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर भी दी है। महिला का कहना है कि इससे पहले भी आरोपी की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू एकता सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीतापुर के ग्राम छौचिया समाज सेवी रत्नेश प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन पर शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अरुण प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार पाठक के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर शशिकांत और आलोक कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के रूड़ा गांव जाने वाले मार्ग के सामने हाईवे पर कोई कट न होने से दिक्कतें हो रही हैं। जिन लोगों को रूड़ा जाना होता है उन्हें 1 किलोमीटर हाईवे पर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बता दें, रूड़ा गांव परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जन्मस्थली है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने धान खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने किसानों को 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग की है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज अंतर्गत गंगा बेहड़ में एक बच्चे को तेंदुए द्वारा बनाए गए निवाले के बाद अब तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 पिंजड़े लगवाए हैं। निगरानी के लिए कैमरों की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि गंगा बेहड़ संपर्क मार्ग पर तेंदुए ने गंगा बेहड़ के रहने वाले मुनव्वर के बेटे अल्तमस को खींच लिया था, जिसकी बॉडी गन्ने के खेत में पाई गई। प्रभागीय वन अधिकारी संजय कुमार विश्वाल ने बताया कि वन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तहसील दौरारा क्षेत्र में फूड सेफ्टी व्हील्स को विधायक दौरारा विनोद शंकर अवस्थी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फूड सेफ्टी व्हील्स के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट की त्वरित जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम राजेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह, नितिन कुमार, अरविंद सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने संकटा देवी सड़क मार्ग और मां जानकी सौजन्या चौक के सेल्फी पॉइंट का निरीक्षण किया। नगरपालिका परिषद लखीमपुर की निर्माणाधीन सड़क को मानक के अनुसार बनवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर ईओ संजय कुमार सहित कर्मचारी मौजूद रहे। पुष्प वाटिका लीला आयोजन समिति में समाज सेवी राम मोहन गुप्ता को सम्मानित किया गया। समिति ने यह सम्मान लगातार सहयोग मंचीय संचालन के लिए प्रदान किया। सम्मान स्वरूप दुशाला और स्मृति चिन्ह भी दिया गया। इस मौके पर रमाकांत गुप्त, पवन शर्मा, हरिशंकर गुप्त आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना खमरिया और धौरारा पुलिस टीम ने गुलशेर और वकील अहमद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत कन्या पाठशाला कैमरा और ग्राम घुटना में महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। बालिकाओं का हेल्पलाइन नंबर 112, 108, 1076, 1090 की जानकारी दी गई। इस मौके पर महिला उप निरीक्षक स्वाति यादव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, सरिता कुशवाहा, आराधिका, अर्चना देवी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईसानगर में पशु आरोग्य मेला लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने किया। ग्राम मंडूरा में आयोजित मेले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने आवश्यक जानकारियां दी। मेले में डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, चरण सिंह तोमर, महादेव प्रसाद, अनूप यादव, संतोष कुमार मौजूद रहे। खमरिया कस्बे के गोविंद सुगर मिल ग्राउंड पर आयोजित रामलीला में शिव धनुष भंग, परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम विवाह का मंचन किया गया। कलाकारों ने सजीव मंचन कर मन मोह लिया। इस मौके पर कमेटी के डायरेक्टर दीपक शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष रामलीला देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना मैलानी के भीकमपुर निवासी बबलू, मोटीखड़ा में के विक्रम सिंह, गंगापुर ग्रांड के तीरथ, रमेश, नीरज और ग्राम ककराही के धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहित कुंडेर, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, देवेंद्र शर्मा, विकास कुमार आदि लोग शामिल रहे।
अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में बात करेंगे डीजीपी प्रशांत कुमार के सख्त तेवर की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आगामी त्योहारों व कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल को हर समय तैयार रहना चाहिए। उन्होंने माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने को भी कहा है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को लेकर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी आदि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मजहब, मत या संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों, साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर मंत्रियों के बीच झगड़े की। नगर विकास मंत्री एके शर्मा और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की टीम के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब पुलिस तक पहुंच गई है। एके शर्मा के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक मऊ में सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें, मंत्री एके शर्मा की टीम और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की टीम के बीच सोशल मीडिया के एक्स पर जमकर तूतू मैमे हुई है, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। इस खबर में बात करेंगे सपा विधायक के घर भाजपा नेता के पहुंचने के बाद मची हलचल की। दरअसल अमेठी के भाजपा जिला प्रभारी शंकर गिरी व जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर पहुंचे। भाजपा नेताओं ने पहुंचने पर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि जिलाध्यक्ष का कहना है कि विधायक के छोटे भाई उमेश सिंह पार्टी के सदस्य हैं, उनकी ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बहरहाल इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रही डॉली शर्मा और भाजपा सांसद अतुल गर्ग के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। अतुल गर्ग ने डॉली शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बीजेपी सांसद ने डॉली शर्मा पर उनकी छवि धूमिल करने और झूठी अफवाह फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि इससे पहले अतुल गर्ग ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा को एक नोटिस भिजवाया था, लेकिन डॉली शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। विदा हो रहे मौसम के बीच भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश की संभावना। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं भी चल सकती हैं। अब बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर की। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि डेंगू मरीजों की संख्या 800 के पार जा पहुंची है। बीते 24 घंटों में 61 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन डेंगू के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने में हो रही थी, लेकिन अब सीएम योगी का बुलडोजर पानी पर भी चलने लगा है। दरअसल यूपी के बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजय वर्गीय निवाड़ा चेक पोस्ट पर बैठे हुए थे। इसी दौरान प्यास लगने पर उनके सामने बिस्लेरी की नकली बोतल आ गई। बोतल में बिस्लेरी की जगह बिस्लेरी लिखा हुआ था। यह देख डीएम भड़क उठे और फिर सबकी क्लास लगा दी। पता किया कि यह नकली पानी कहां से आ रहा है। जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने बुलडोजर चलवाकर सभी बोतलों को नष्ट करा दिया और गोदाम को सीज करने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान गोदाम से 2663 पानी की बोतलें बरामद की गई। बताया जाता है कि नकली ब्रांड की बोतलें गौरीपुर जवाहर नगर में भीम नामक व्यक्ति द्वारा तैयार की जा रही थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कीर्ति स्तंभ में तोड़फोड़ और शिलापट ढकने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक सहित 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है। जौनपुर के जफराबाद से विधायक रहे डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह सहित 2 के खिलाफ एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, 3 दिनों के अंदर केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी कोर्ट में जमा करने को भी कहा है। यूपी के बरेली में सकलेन मियां के उर्स के आयोजन की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली जिला प्रशासन द्वारा उर्स की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि नवरात्र त्यौहार की वजह से किसी दूसरे समुदाय को उसके धार्मिक आयोजन कराने से नहीं रोका जा सकता। सकलेन मियां का पहला उर्स 8 और 9 अक्टूबर को मनाया जाना है। दरअसल इस मामले को लेकर आस्ताने आलिया सकेलिनिया
सराफतिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की डिवीजन बेंच में हुई। बेंच ने सिटी मजिस्ट्रेट को नए सिरे से आदेश पारित करने को भी कहा है। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर सीतापुर।